झांसी नगर निगम के वार्ड नंबर 22 में पीएसी के सामने स्थित कॉलोनी में सड़कों और नालों की समस्या से आम जनमानस का जनजीवन अस्त व्यस्त है और क्षेत्रवासी आए दिन साफ सफाई को लेकर परेशान रहते हैं। प्रदेश सरकार और प्रशासन की मंशा के अनुरूप बारिश के मौसम के पहले नालियों और नालों की सफाई एवं जल भराव से आम जनमानस को समस्या न हो, यह सुनिश्चित करना नगर निगम की जिम्मेदारी होती है। लेकिन वार्ड नंबर 22 मानव प्रशासन की मंशाओं को मुंह चढ़ा रहा हो। गंदगी से पटे नालों से घरों में कमर तक पानी भर जाता है। जहरीले जानवर घरों में घुस रहे हैं और छोटे बच्चों को लेकर परिजनों में चिंता व्याप्त है। वहीं सड़कों की दुर्दशा भी बेहद खराब है। सड़कों पर रोशनी की कोई व्यवस्था नहीं है, जिससे आए दिन दुर्घटनाएं होती रहती हैं। वहीं जनता का कहना है कि नगर निगम के अधिकारियों से कई बार उन्होंने शिकायत की है, लेकिन समाधान नहीं हुआ। सुनिए क्या कहती है जनता। 22 नंबर से। आपका नाम? ज्ञानवती। क्या समस्या है आपके क्षेत्र में? हमारी नाले की समस्या हमारे दरवाजे से है, जो बंद होने चाहिए और गड्ढा कर दिया। क्या हो रहा है? पानी भर रहा है? किस पानी भर रहा? कचरा भर रहा, सफाई नहीं होती कभी। आते सांप बिच्छू दिलाते? कर्मचारी आते हैं नगर निगम? नहीं आते। नगर निगम नहीं आते, जब कंप्लेंट करते तब यार आते, बहुत आधा यार भाग जाते और उसी में पटकते झाड़ू लगा के रोड से। कब से ये समस्या आपके क्षेत्र? बहुत दिन से, जे तो अभी अभी गड्ढा कर दिया। जब लाइट की कैसी व्यवस्था? लाइट भी नहीं जलती है यहाँ, फुल लाइट नहीं है यहाँ, लाइट ही नहीं है रोड पर नल्ले के पास। मेरा सर वार्ड नंबर 22 मोहल्ला है और ये मेरा पूरा वार्ड है जो गंदगी से पटा पड़ा है। ये लोग कई बार शिकायतें कर चुके हैं इस समस्या को लेकर। मैं कई दिनों से नगर निगम में चक्कर भी काट रहा हूं और यहां के लोग कई बार पार्षद के पास गए, जो कि आदर्श गुप्ता जी हैं, वो साफ साफ यहां के लोगों को मना कर देते कि हम यहां के पार्षद नहीं हैं, ना हम यहां का कोई काम करवाएंगे। कभी यहां झकने नहीं आए, कभी यहां देखने नहीं आए, देखने नहीं आए। मोहल्ला इतना परेशान, इतना मोहल्ला परेशान है, लोग परेशान है। इसकी समस्या के लिए मैंने कई बार कदम उठाए, नगर निगम में गया, कई जगह शिकायत करी, मेयर से शिकायत करी, कहीं कोई सुनवाई नहीं है। सब लोग बस भ्रष्टाचार में लिप्त हैं और कहीं कोई काम नहीं हो रहा है। बस नाम के लिए सब लोग हैं, लगे हुए हैं कि ये बात बस चुनाव आने वाले हैं और आ जाएंगे, पार्षद से वोट मांगने आ जाएंगे, वो वोट मांग के चले जाएंगे। और इस समस्या के लिए मैंने बीड़ा उठाया है, चाहे इस समस्या को मेरे निदान करने के लिए कई बार दुर्घटना हुई, कई लोगों के पैर टूटे, कई दुर्घटनाएं भी हो चुकी हैं। इस नाले में कई लोग हादसा हो चुका है, जब यहाँ बरसात होती है तो पानी भर जाता है, तो कई लोग गाड़ियों से गिर गए, हाथ पैर टूट गए और इसकी कोई कहीं सुनाई नहीं है। समस्या ये नाले की है, हमारे यहाँ इतनी गंदगी है, नाले की वजह से इतनी बीमारी फैली है और यहाँ हमारे बिल्कुल देहरी में पानी आ जाता है। नाला टूटा पड़ा है, इसकी कोई सुनाई नहीं है। पार्षद के यहाँ शिकायत भेजा, कोई सुनाई कर रहा। मैं बिजौली का हूँ, मैं यहाँ राजगढ़ का कुछ नहीं यहाँ का सुनता है। हमारे जरा जरा से बच्चे हैं, हम इतने पानी में डूब जाते हैं, घर में पानी भर जाता है, नाला पूरा टूटा पड़ा, सांप बिच्छू, हाँ बिच्छू भी, सांप भी, जैसे बड़े बड़े रोज आए दिन निकलते हैं, कोई सुनाई नहीं। आधर को कभी आता ही नहीं है, कहते हम इधर के है ही नहीं है, जाते हैं तो निकलते ही नहीं है घर से। इस नाले की समस्या है, नाला जो है इतना गंदगी से पट जाता है, इतना पानी बहता है कि यहाँ निकलना मुश्किल हो जाता है रोड से, ये इतना बदबू मारता है, मच्छर आते हैं। अब कई बार शिकायत करते हैं। झांसी से रवि परिहार की रिपोर्ट।